أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم جزاك الله ويلكم تو رونے والا ہوں بچے یہاں بچے اپ 24 گھنٹے روتے ہیں تو بات نہیں بچے بھی روتے ہیں اور بڑے جو ہے کرتے ہیں بڑا عادت ہو گئی ہے تو یہاں پہ تمہیں ہر چیز ملے گی ہر قسم کا ساؤنڈ ملے گا جب سارے آئے ہوں گے دیمل کم ہیئر آئے ہاؤ آر یو زیمل بسم اللہ الرحمن الرحیم फ्रेंड यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इकरा कमल जो है अपनी रुखसती के बाद अपने घर जाती हैं और यहाँ पर वो तिलावत करती हैं कुरान पाक के कुछ हिस्सों की। सो फ्रेंड ये रस्म बहुत से घरों में यहाँ पर है, मगर इस वक्त गलती ये होती है कि हम लोग ये नहीं सोचते कि इस वक्त अगर इकरा कमल को भी हम देखें तो इकरा कमल इस वक्त ब्राइडल रूप में है और इकरा कमल इस वक्त आई हैं बैंक्वेट से। तो प्रॉपर वो अपने घर से पार्लर गईं, पार्लर से वो बैंक्वेट गईं और पार्लर में बहुत तैयार हुई। बैंक्वेट में उन्होंने डांस नाच गाना सब कुछ किया और उसके बाद अपने इन लॉज के घर आईं। अब इन लॉज के घर आने के बाद जो उनकी ड्रेसिंग थी वो ऑलरेडी ऐसी थी जिसमें नॉर्मली कुरान और नमाज से इंसान बहुत दूर रहता है, क्योंकि इन्होंने ड्रेसिंग की थी इंडियन एक्ट्रेसेस को देख के, तो डेफिनेटली काफ़ी उनकी टमी नज़र आ रही थी और उस कंडीशन में ये कुरान पाक हाथ में लेके पढ़ रही थी। तो ये चीज़ बड़ी गलत की गई है और इनके इन लॉज को भी सोचना चाहिए था कि बावजू नहीं है, डेफिनेटली वो ब्राइड बनी हुई है, वो वजू करके तो नहीं आई ना, वो नॉर्मली बैंक्वेट से आई है, तो उस वक्त उनको इकरा कमल के हाथ में कुरान पाक नहीं देना चाहिए था। और ये रस्म बहुत सारे घरों में है जो कि नहीं होनी चाहिए और जो कि सोचना चाहिए कि अगर आपको दुल्हन का देखना है कि उसको कुरान पाक आता है पढ़ना या नहीं आता, तो ये आप किसी और दिन देख लें जब वो वुज़ू करके बैठी हो, जब वो नमाज़ पढ़ी हो या वो अपनी सेलिब्रेशन से निकल चुकी हो। कम अज़ कम जब दुल्हन बने हुए लोग हों और एक माहौल भी उस वक्त बिल्कुल ही शादी का होता है, तो उस वक्त हमें अपनी तमाम इस्लामी चीज़ों का जो है एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।